तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। हम इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस को हम समझ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर इनकम में चेंज होता है तो किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, जिसको कि हम इनकम इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों हम आपको समझाने वाले हैं इनकम इफेक्ट के बारे में, जिसको हम इनकम कंजम्पशन कर्व से दिखाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि द इनकम इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ कंज्यूमर कॉजेज बाय चेंज इन इनकम। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझा देता हूँ, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम ये लेके चलेंगे पूरे एग्जांपल में यही लेके चलेंगे, आप इसी को मान लीजिएगा। मान लीजिए कंज्यूमर की जो इनकम है वो 100 रुपये है और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 20 रुपीज है और प्राइस ऑफ वाई जो है वो 10 रुपीज है। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो इस तरीके से बनेगी। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, इस तरीके की बनेगी। यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स गुड्स और यहां मैं लिख देता हूं वाई गुड्स। तो कंज्यूमर जो है वो 5x बाय कर पाएगा और 10y। तो इस लाइन को हम मिला देंगे, इसको बजट लाइन या प्राइस लाइन भी कहते हैं। यहां पे अब कह रहा है कि द इनकम इफेक्ट मे बी डिफाइन एज द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑन कंज्यूमर कॉस्ट बाय चेंज इन इनकम इफ द प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है, हम चलिए ये भी मान लेते हैं कि कंज्यूमर इस केस में 3x और 4y का यूज कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये वाला है, इंडिफरेंस कर्व IC1, हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो 3x और 4y का यूज कर रहा है, सिंपल तरीके से हमने मान लिया। अब मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ एक्स है और प्राइस ऑफ वाई है वो सेम रहती है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनकम में चेंज हो जाए, यानी कि इनकम मान लीजिए बढ़ जाए, इनकम जो है वो 100 रुपीज से बढ़कर मान लीजिए 140 रुपये हो जाती है, तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से डेफिनेटली जो लाइन है बजट लाइन है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। यानी कि अगर मैं लाइन कलर चेंज कर लूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये बजट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब 7x बाय कर सकता है मैक्सिमम और साथ ही साथ 14y। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कंज्यूमर का एक लेवल यही 3 और 4 रहेगा या कंज्यूमर अपनी जो क्वांटिटी है वो चेंज करेगा? तो डेफिनेटली अपनी क्वांटिटी चेंज करेगा। तो इनकम में चेंज होने से कंज्यूमर की जो क्वांटिटी है जो वो खरीद रहा है उसमें जो चेंज आया उसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं। यानी कि इनकम इफेक्ट क्या बताता है हमें कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बदल जाएगा और उसकी वजह से जो कंज्यूमर की डिमांड में चेंज आएगा उसी को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। अब हम दो केस मान के चल रहे हैं। सबसे पहला मान के चल रहा है कि ये नॉर्मल गुड्स का केस है, नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स का केस है। यानी कि इस स्थिति में कंज्यूमर क्या करेगा, एक ऊंचे लेवल पे आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर जो है वो पहले से ज्यादा एक्स और पहले से ज्यादा वाई का प्रयोग करेगा। यानी कि कंज्यूमर की अगर इनकम चेंज हो जाती है तो कंज्यूमर पहले से ज्यादा एक्स और पहले से ज्यादा वाई का प्रयोग करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ए से बढ़कर बी हो गया। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कंज्यूमर की इनकम फर्दर चेंज होती है, फर्दर इंक्रीज होती है, मान लेते हैं, और उसकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इंक्रीज हो गया, इसको हम जोड़ दें, एबीसी तीनों को जोड़ दें इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो जो लाइन बनेगी वो आईसीसी बनेगी। यानी कि आईसीसी जिसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से होते हैं जबकि प्राइस ऑफ बोथ गुड्स रिमेन सेम।
यानी कि इफ द ओनली कंज्यूमर इनकम कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच शो द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम बीइंग प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी रिमेन द कॉन्स्टेंट, यानी कि दोनों ही कमोडिटी का प्राइस अगर कॉन्स्टेंट रहे और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल जाए तो आप देख पा रहे हैं कि इसको आईसीसी के नाम से जानते हैं, आईसीसी बोलेंगे इसको। तो ये बच्चों नॉर्मल गुड्स का केस हुआ। अब देखिए कई बार इसमें एंजल कर्व आपसे पूछा जाता है, मैं आपको एंजल कर्व भी बना के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। हालांकि मैं यही दिखा देता हूँ आपको एंजल कर्व बना के, देखिए इसमें ही बना देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए एंजल कर्व क्या है, एंजल कर्व इनकम में और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन को दिखाता है। यानी कि जब इनकम हम एक्स गुड्स ले रहे हैं, जब इनकम मान लीजिए 20 रुपये थी तो कंज्यूमर 3x का प्रयोग कर रहा था, जब इनकम बढ़कर 140 रुपये हो गई, सॉरी पहले कितनी थी, पहले 100 रुपये थी और जब इनकम 140 रुपये हो गई तो कंज्यूमर का जो एक्स गुड्स की क्वांटिटी को वो बढ़ाएगा। अब मान लीजिए उसने क्या किया, एक्स गुड्स की 4x का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको इसी डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ एंजल कर्व कैसे बनाएंगे। देखिए कंज्यूमर 3x यूज कर रहा है, 3x यूज कर रहा है, जब उसकी इनकम कितनी है 100 रुपये है और इसी केस में वो 4x यूज कर रहा है, जब इनकम बढ़कर 140 रुपये हो जाती है। यानी कि इसको हम बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और एक लाइन से इसको जोड़ देंगे तो इसी को बोलेंगे एंजल कर्व। ओके बच्चों, तो एंजल कर्व की जगह आप समझ लीजिए एंजल कर्व कैसे ड्रॉ होता है, मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर हम मान लीजिए इन्फीरियर गुड्स का केस ले लेते हैं, देखिए इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, इन्फीरियर गुड्स वो होती है जिसमें इनकम बढ़ने से जो डिमांड है वो घटती है। यानी कि इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहला केस हम लेके चल रहे हैं बच्चों, मान लीजिए एक्स गुड्स इन्फीरियर है, एक्स गुड्स कैसी है, इन्फीरियर है, घटिया है और वाई गुड्स जो है वो नॉर्मल है। यानी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से एक्स गुड्स की डिमांड में कमी आएगी जबकि वाई गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो हम इसको क्या करते हैं, बजट लाइन से ही दिखा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बजट लाइन ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ये मान लीजिए एल एम बोल देते हैं, इसको एल वन एम वन बोल देते हैं, इसको एल टू एम टू बोल देते हैं। अब मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इनिशियली इस लेवल पे था, मान लीजिए इस लेवल पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था ए पर, यानी कि कंज्यूमर जो है वो एक्स की इतनी गुड्स खरीद रहा है एक्स वन। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से कंज्यूमर पहले से कम एक्स गुड्स बाय करेगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। यानी कि अब जो डिमांड है वो एक्स टू हो गई, पहले से कम हो गई। इसी तरीके से कंज्यूमर की इनकम अगर और बढ़ती है तो कंज्यूमर पहले से कम एक्स गुड्स बाय करेगा एक्स थ्री। अगर हम इनको डायग्राम से जोड़ दें जैसे इस तरीके का आईसीसी बनेगा, अगर हम एबीसी तीनों को मिला दें। अगर एंजल कर्व भी हमें मान लीजिए दिखाना है इसमें, मान लीजिए एंजल कर्व भी दिखाना है कि गिफिन गुड्स के इसमें एंजल कर्व कैसा होता है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा भाई, आपकी जो डिमांड है वो एक्स वन है और एक्स टू है, दो ही दिखा दीजिएगा बहुत है। जब आपकी इनकम जो थी वो 100 रुपये थी या मान लीजिए वाई जीरो है तो आप एक्स वन बाय कर रहे हैं, ए पॉइंट आ गया। इनकम बढ़ने से आप गुड्स की डिमांड आपने कम कर दी तो इस केस में जो एक एंजल कर्व है वो इस तरीके का बनेगा। याद रखिएगा एक्स गुड्स कैसी है, इन्फीरियर है। यानी कि ये पूरी तरीके से ये समझाने की कोशिश की गई है बच्चों कि अगर एक्स गुड्स इन्फीरियर होगी तो किस तरीके का आईसीसी बनेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर हम ये मान के चलें
कि वाई गुड्स इन्फीरियर है, वाई गुड्स इन्फीरियर है, सॉरी, तब कैसा डायग्राम बनेगा? यहां पे वाई गुड्स लिख लेते हैं, यहां पर हम एक्स गुड्स लिख लेते हैं, ये नॉर्मल हो गई हमारी। हम तीन इनकम ले लेते हैं, एक इनकम का लेवल ये वाला है, एक इनकम का लेवल ये वाला है, एक इनकम का लेवल ये वाला है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो पहले ही तो ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कि कंज्यूमर वाई की इतनी गुड्स खरीद रहा है, वाई जीरो। अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है वो पहले से कम गुड्स खरीदेगा वाई की, और अगर और इनकम बढ़ती है तो वाई की पहले से कम गुड्स खरीदेगा। यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इनको जोड़ दें तो ये हमारा आईसीसी बनेगा। यानी कि ये ऐसा आईसीसी कब बनेगा? जब एक्स गुड्स इन्फीरियर हो, और ऐसा आईसीसी कब बनेगा? जब वाई गुड्स इन्फीरियर हो। अगर मैं तीनों डायग्राम एक साथ आपको बनाने की कोशिश करूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, अगर दोनों गुड्स नॉर्मल है तो बी इससे ऊपर आएगा, यानी कि इस केस में जो आईसीसी बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगर मान लीजिए एक्स गुड्स इंफीरियर है तो सी यहां पे आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, यानी कि इस केस में एक्स गुड्स इंफीरियर है, यानी कि इस केस में बोथ गुड्स नॉर्मल, बोथ गुड्स आर नॉर्मल, और इस केस में बेटा क्या होगा कि इस तरीके से शेप ले लेगा ऐसा। ये कब होगा? जब x इज इंफीरियर, और यहां पर आ जाएगा अगर आपकी y इंफीरियर है तो ऐसा। इंफीरियर गुड्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। देखिए सब बातें यहीं पे हमने जो लिखी हुई हैं वो यही सब लिखी हुई हैं। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है हमने, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम आप देख लीजिएगा, सेम डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, अरे ये रहा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम। ठीक है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम हम आपको ये दिखा देते हैं बच्चों किस तरीके का बना है, सेम नेगेटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम है। अगर जीरो इनकम इफेक्ट होता है तो डायग्राम कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जीरो इनकम इफेक्ट का मतलब है कि ऐसी कोई गुड्स है जिसकी इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ऐसी कोई गुड्स हम ले लेते हैं। देखिए यानी कि इनकम बढ़ने का असर किसी भी तरीके से डिमांड पे नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप इतनी एक्स गुड्स यूज कर रहे हो तो आप इतनी गुड्स यूज करते रहोगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो सकता है। यानी कि इनकम के बढ़ने से एक्स गुड्स की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल वाई गुड्स की डिमांड ही बढ़ेगी। यानी कि अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से एक्स की डिमांड पर, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन आप उसको कंसिडर मत कीजिएगा, मेनली कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का है तो इस तरीके का आईसीसी बनेगा। अगर गुड्स जो है वो किस तरीके की है बच्चों, वो अगर गुड्स जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल गुड्स है, यानी कि उसकी डिमांड को कोई नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से इनकम कंजम्पशन कर्व, या आप कह सकते हो एंजल कर्व, या आप कह सकते हो इनकम इफेक्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।